हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो रिंग, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। 300 ग्राम आलू को हमने क्यूब में कट कर लिया। आधा गिलास पानी डालेंगे और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इनको हम सॉफ्ट बॉयल कर लेंगे। तो आलू बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको पोटैटो मैशर से बिल्कुल फाइन मैश करके ले लेते हैं। कोई भी बड़ा चंक ना रह जाए, ध्यान से मैश करिएगा। ये देखिए रेडी हो गया, हम इनको साइड में करते हैं। अब एक पैन के अंदर हमने डाला 1 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर। अगर आपके पास में अनसॉल्टेड है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि अमूल का सॉल्टेड बटर कितना टेस्टी लगता है, तो मेरे पास था तो मैंने वो डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ये ग्रेटेड जो है वो गार्लिक है, कि मैंने 3 से 4 बड़े लहसुन को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। गार्लिक जब हल्का सा रोस्ट हो गया तो मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून यहाँ पर फ्लावर। अब देखिए, यहाँ पर तो दूध की ज़रूरत है बट मेरे पास में नहीं है तो मैंने नहीं डाला। आपके पास घर में हो तो आप 1/2 कप दूध यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब ये जो हमारा मैश किया हुआ जो पोटैटो है ना, ये हम डालेंगे और फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि गार्लिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्राउन हो रहा है तो हमें इसको ब्राउन नहीं होने देना है। और हम आलूओं के साथ में इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा मिक्स हो गया है। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे बाउल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जब भी इनके अंदर आपको डाल देना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अभी गरम गरम में कॉर्नफ्लावर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इनको हम फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मिक्स हो गए फ्रेंड्स, तो हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून ये राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, और अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं, हाथों से मिला लेते हैं क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर हम सीजनिंग ऐड करेंगे, वो आपके ऊपर है आपको क्या डालना है। तीखा अगर खाते हैं आप तो तीखा डाल लीजिए। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और बड़े भी इसको चिल्ली गार्लिक के साथ में खा सकते हैं। ये मेरे पास में थाइम है तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून थाइम डाल रही हूँ। अगर आपके पास थाइम नहीं है, ओरिगानो है तो आप वो डाल दीजिए, मिक्स हर्ब है तो वो डाल दीजिए, ठीक है जी। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मर्ज़ी हो तो थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं फ्रेंड्स, वेरिएशन आपके ऊपर है जी। मैंने प्लास्टिक शीट के ऊपर ज़रा सा ऑयल लगाया और अब हम ये डो को रोल आउट करेंगे। इवन रोल आउट करना है आपको इस तरीके से, हर तरफ से इवन इनको रोल आउट करिएगा। इसकी जो थिकनेस है वो आपको 1/2 इंच की जितनी रखनी है। और यहाँ पर मुझे लगेगी अब एक रिंग की ज़रूरत, तो मेरे पास में कुकी कटर है। कुकी कटर का जो रिंग है वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, ये देखिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छोटा गिलास ले लीजिए, कोई प्याली है वो ले लीजिए, किसी बॉटल का लिड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मुझे ज़रूरत लगेगी एक छोटे नोज़ल की, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी अपना केक के डिज़ाइन बनाने वाला जो नोज़ल होता है ना, आपके पास में अगर हो तो वो भी ले सकते हैं। आप नहीं है तो अगेन एक कोई छोटी बॉटल का ढक्कन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बिना रिंग के भी आप ये बना सकते हैं, मैं आगे भी आपको बनाकर बता देती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये जो आलू यूज़ किया है ना, ये मैंने वेफर वाला आलू यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च नहीं होता है तो चीज़ें बड़ी क्रिस्पी बनती हैं। मेरे पास था तो मैंने ले लिया, अगर आपको ना मिले तो आप नॉर्मल आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमने यहाँ निकाल दिया, हर बार आप इसका जो बीच वाला हिस्सा ना, इस तरह निकालते जाइएगा। अब ये रिंग बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, और अब हम इनको ना एक पैलेट नाइफ़ के थ्रू इसको एक सपोर्ट देते हुए उठा रहे हैं। आप नाइफ से उठा लें, स्पून के बैक साइड से नीचे से थोड़ा सपोर्ट दे करके उठा लें। हाथों से उठाने से थोड़ा सा खतरा रहता है कि कहीं टूट ना जाए। देखिए, उठ तो गया है लेकिन कभी कभी टूट भी जाता है, तो थोड़ा सा सेफ्टी ले लें आप। तो चलिए जी, इसी तरीके से हम सारा बना लेते हैं फटाफट से। अच्छे खासे बन जाते हैं, जो हमने 300 ग्राम आलू लिया है ना उसमें बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ये। मैं आधा आज फ्राई कर लूँगी और आधा मैं उठाकर फ्रीज़ कर दूँगी, ये 1 हफ्ता तक आराम से फ्रीज़र में रहेंगे। अच्छा, अगर किसी के पास ये मोल्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ढक्कन भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए छोटा सा डो मैंने आपके लिए रखा है, इसको ना बस प्लेटफॉर्म पे ऐसे रख कर पतले पतले से आप ऐसे रोल आउट कर लें एक साइज़ का, और उसके बाद ऐसा रिंग का शेप दे करके ऐसे दबा दें। देखिए कितना परफेक्ट तैयार हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको बॉटल का ढक्कन ढूँढने की। चलिए जी, अब हमारा ऑयल गरम है, ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, ठीक है। ऑयल जो है ना, अगर आप धीमी आंच पे, अगर आपका ऑयल कम गरम रहा और फ्लेम स्लो रही तो फिर ना ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर ले लेंगे। तो आपको ऑयल जो है वो अच्छा गरम करना है और इनके अंदर डाल करके ये थोड़ा सा हिला दें
और इनको हम एक स्टिक के थ्रू जो है इसको हम पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। वैसे ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर फ्लार भी है, कॉर्न फ्लार भी है, चावल का आटा भी है और ये आलू भी। मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सा लिया है, तो ये बड़ा अच्छा ही बहुत टेस्टी तैयार होगा। ये देखिए हमने पलट दिया सबको फटाफट, अपनी पसंद की सॉस के साथ में इसको सर्व कर रहे हैं आप। वैसे इसको सर्व किया जाता है चीज़ सॉस के साथ, आप चाहे तो मेयोनीज़ के किसी भी चीज़ के साथ में आप सर्व कर लें। ये बहुत गर्म है फिर भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स डिश पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इस तरीके के हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।